कल को देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर सैकड़ों सालों के बाद पंचग्रही योग आ रहा है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव का प्राकट एक प्रकाश के लिंग स्वरूप में हुआ था, इसलिए विश्व भर में शिव भक्तों द्वारा शिवरात्रि का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब पांच ग्रह किसी एक ही राशि में एक साथ होते हैं तो इसे पंचग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर पंचग्रही योग शुभ फल देने वाले ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये योग नेगेटिव इफेक्ट भी दे देते हैं। हालांकि इस बार मकर राशि में मंगल, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति में बनने वाला यह योग सभी के लिए सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। परिज्ञ योग महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 11:18 तक रहने वाला है। मान्यताओं के अनुसार इस योग में पूजा करने से शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। इस योग में महादेव की पूजा करके लोग अपने रुके हुए कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। कल को देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर सैकड़ों सालों के बाद पंचग्रही योग आ रहा है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव का प्राकट एक प्रकाश के लिंग स्वरूप में हुआ था, इसलिए विश्व भर में शिव भक्तों द्वारा शिवरात्रि का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब पांच ग्रह किसी एक ही राशि में एक साथ होते हैं तो इसे पंचग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर पंचग्रही योग शुभ फल देने वाले ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये योग नेगेटिव इफेक्ट भी दे देते हैं। हालांकि इस बार मकर राशि में मंगल, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति में बनने वाला यह योग सभी के लिए सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। परिज्ञ योग महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 11:18 तक रहने वाला है। मान्यताओं के अनुसार इस योग में पूजा करने से शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। इस योग में महादेव की पूजा करके लोग अपने रुके हुए कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।